ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। दुख की बात है कि केंद्र सरकार जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हो रही है। जनता इन मुद्दों तक ना पहुंचे इसके लिए हर रोज नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल ने पालमपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। देश आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। दुख की बात, केंद्र सरकार जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाने का प्रयास कर रही है और उसमें कहीं ना कहीं सफल हो रही है। जनता इन मुद्दों तक पहुंचे हर रोज नया मुद्दा छेड़ा जा रहा है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोकुल बुटेल ने पालमपुर पत्रकार वार्ता के दौरान कही। गोकुल बुटेल ने कहा कि 370 हटाकर भी बेशक अच्छा कार्य किया है, लेकिन जनता का ध्यान हटाना था। कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने 370 हटाने का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी इसे लागू किए जाने को लेकर विरोध कर रही है। आज मेक इन इंडिया की बात क्यों नहीं की जा रही है? सरकार हर साल भावाई लूटने के लिए नई योजना शुरू कर रही है। गोकुल बुटेल ने कहा कि मनमोहन सरकार से तुलना करें तो ITI, मनरेगा, आधार कार्ड ये सब उनके कार्यकाल में हुए, जबकि भाजपा की नई सरकार जनता का ध्यान बंटाने में बहुत माहिर है। राष्ट्रवाद की बात की जा रही है जबकि ध्यान कहीं और। अर्थव्यवस्था नोटबंदी तथा GST के बाद जो लुढ़की है अभी तक नहीं सुधरी है। कई उद्योग बंद हो गए, ई कॉमर्स सेक्टर में नीति बदली है, वहीं 95% कंपनी बंद होने के कगार पर है। ऑटो सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकार अपना प्रदर्शन और वाहवाही लूटने में व्यस्त है। गोकुल बुटेल ने कहा कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जनता के बीच ये मुद्दे लाना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया गया तो 70 सालों में बहुत भयंकर स्थिति होने वाली है। ऑटो बिक्री 50% कम होती जा रही है। जो भी अर्थव्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। कि ये जो अर्थव्यवस्था का आज चरमराती अर्थव्यवस्था का हाल चल रहा है, इस पे कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान लाया जाए। जनता के बीच ये मुद्दे ले जाना अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि अगर ये जनता के बीच पे मुद्दे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले 70 सालों में, आज ही नीति आयोग के जो हमारे वाइस चेयरमैन है उन्हीं का आज सुबह बयान आता है, जो वाइस चेयरमैन में सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है, वो कोई ऑपोजिशन के आदमी नहीं है। उन्होंने कहा 70 साल में सबसे भयानक स्थिति होने जा रही है अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया। 70 साल के अंदर सबसे भयानक स्थिति होने जा रही है। व्हीकल सेल जो है वो मोटी मोटी पिछले 2 महीने में 50% से नीचे होके आ गई है। मारुति ने अपनी प्रोडक्शन 20-22% कम कर दी है। जैसे मैंने महिंद्रा का नाम लिया, महिंद्रा का यही हाल है। बैंक के जितने भी NPAs हैं, जिसे हम बैड लोन्स कहते हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो NPAs का मैं मुद्दा ले रहा हूँ, ये आप एक छोटे से छोटे बैंक के पास जाएंगे चाहे बड़े से बड़े बैंक पे जाएं, NPA जो ये बढ़ते जा रहे हैं। घरों की जो सेल है बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक, वो पिछले 15 साल में ऑल टाइम लो पर है। अभी जो इसके हमारे फैक्टर्स हैं ये हमें दिख रहे हैं, जैसे किसी बीमारी के अर्ली फैक्टर्स डिजीज के दिखते हैं, उस पर काम करना जरूरी होता है। वैसे ही मुझे लगता है अर्ली फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन दिख रहे हैं, जो रिसेशन में बदल सकता है। अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए इसमें ठोस, तो ये बहुत ही इसका नुकसान होगा। एक और जो सबसे चिंताजनक बात है, आज जो भी हमारा अर्थशास्त्री या इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के अगेंस्ट बोलता है उसे एंटी नेशनल करार दिया जाता है। अमर्त्या सेन भारत के एकमात्र नोबेल लॉरिएट हैं इकोनॉमिक्स में, और विश्व विख्यात जो आज हम इकोनॉमी मेजर करते हैं GDP में, GDP का कंसेप्ट देने वाले, जब वो बोलते हैं तो बोलते हैं ये अमेरिका में हार्वर्ड में बैठा है, देश के खिलाफ बोल रहा है। यही रघुराम राजन के लिए बोला जाता है, यही बाला सुब्रमण्यम के बारे में बोला जाता है। तो जो भी अर्थशास्त्री है विश्व विख्यात, जिसे दुनिया ने पूरी तरह उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है एक्सेप्ट किया है, अगर वो देश के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो उन्हें बोला जाता है ये एंटी नेशनल है, इनका अपना हिडन एजेंडा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोग इस चिंता पे बोलना भी चाह रहे हैं वो इस डर से बोल नहीं रहे हैं कि ये जनता में आज एक ये धारणा पैदा कर दी गई है कि अगर हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं
एंटी नेशनल करार दिया जाएगा।